तो ठेला आ चुका है दोस्तों, नया वाला है, लेकिन कुछ कमी रह गई। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था, तो ये देखो। और दोस्तों क्या हाल चाल, समझते है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी तो पर के 1 बज रहे हैं और आज है 24 तारीख। ब्लॉग ना 2 दिन से ना इधर से उधर हो रहा था। अब आज से क्या हुआ कि आज मैं खाना खाया 11:30 बजे, अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी तो 12:30 के आसपास हो गए। ब्लॉग अपलोड किया तो 1 Mbps स्पीड आ रही थी वाईफाई की मेरी, अब इसीलिए स्विच करने में लेट हो गया। अभी ये टेम्पू लगाया हूँ, सेट कर लूँ और भाई इसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखो, इसको बोर्ड को लगा दिया, धो दिया, लेकिन ये ना हल्का सा फेविक्विक लगा के यहाँ से चिपकाना पड़ेगा। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था तो इसका बोर्ड निकल गया। अभी ये सामने सीट लग जाएगा, इधर सामने सीट लग जाएगा, उसके बाद ठेले का लुक जो है ना शानदार दिखेगा। आज लड़की फंसी है, 100 का नोट दी है, 10 रुपये का फुल्की खाई है, अब बोहनी तो करवाई है भाई। आप भी 100 का दे दिए, देखना खुले ले जाता हूँ ना, खुला दे दो इसका भैया, अगर भगवान भला करेगा 50-50 दे दीजिए, 2 रुपये जुगाड़ देखता हूँ बाकी। आस्था 100 रुपये वापस करना पड़ेगा तेरे को ना, ये लीजिए आपका 50, ये लीजिए आपका 40 बस ना। मिला ही नहीं, खुले नहीं मिला, बाकी बोनी कर दिया। फिर मैं फ्री में, फिर फ्री में, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। दही हो गया, सेट हो गया, धनिया, हाँ खुला करवा गया ना, ये ठीक दिख रहा है ना, इसको बनवा दिया हूँ, इसको बनवा दिया हूँ, ठीक दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब ये और करवाना है एक बार। हाँ मेरे को ये पार्टनरशिप में रख लीजिए, एक टाइम में वो सब कैंसिल कैंसिल बोलती हूँ, उस तरह मैं मोमोज बेचूंगी। क्या रुको भैया, 1 मिनट खिला रहा हूँ ना। दोस्तों अभी मैं टब लेने गया था, एक दिन क्या हुआ, टब को मैं टेम्पो आगे रख दिया और मैंने उसके बाद टेम्पो चला दिया। टब 2 टब था मेरे पास, छोटा वाला, दोनों टूट गया। अभी बड़ा ले लिया हूँ, ये 150 रुपये दिए हैं, यहाँ पर रखा करूँगा इसको ऐसे करके, है ना। और ये देखो ये छोटा है, ये टूट चुका है पूरा, इसमें भी डाल दो ना भैया, चम्मच ये लीजिए, 10 से 4 बना दूँ। अभी दोस्तों मैं टैबलेट आया था, अभी नहीं मतलब तकरीबन 3 घंटे तो हो गए, 3.5 घंटे, और उसके बाद फिर वही ठीक ठाक बिक्री हुई, लेकिन ना चाट की बिक्री भी अच्छी हो गई आज यार, मतलब गर्मी थी। देखो ये टिकिया ना मैं इसको अभी यहीं पे बनाया हूँ, और गर्मी है बरसात है, मेरे को सही में नहीं पता भाई, आज ना मेरे को महसूस हो रहा है कि ग्रीन मिर्च लानी चाहिए थी। ग्रीन मिर्च अगर आज होती ना तो आज वही वाला काम करता जो पहले किया करता था, यहीं भी बांध देता। अब और धूप इतना तेज आ रहा है ना कि तिरपाल की छाया देखो वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब तिरपाल बांधो ना बांधो कोई मतलब तो है नहीं, खाली ठेले की छाया यहाँ बची है। अगर देखो एक चीज़ और ना, अगर रात को मैं 9:30 बजे तक लगा रहा, अगर यहाँ तक वो सीट लग जाती, ठीक है यहाँ पे अगर वो सीट लग जाती है और इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल देता, तो सामने का जो भी धूप दिख रहा है मेरे ठेले में वो नहीं होता। लेकिन शाम को क्या हुआ पता है, मैं 3x7 की वो लाया, 3x8 की सीट लाया, ACP बोर्ड लाया, ये वाला सीट लाया। अब दिक्कत क्या हो गया कि 14 इंची यहाँ पर लग रहा था, मतलब 12 इंची का एक फुट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, तो यह 14 इंची यहाँ लग रहा था, अब बचा कितना, 12 × 24, 24 × 2 मतलब 22 इंची बचा, और यहाँ पे चाहिए कम से कम 26 इंची, तो यहाँ पे ना 2 फुट नहीं पुर पाता था। 4x8 का फिर लेने गए थे तो वहाँ पे ना तारा लग चुका था गोदाम में, जो दुकान गोदाम वाले भैया थे वो तारा लगा के चले गए थे, तो रात को ये दिक्कत हो गई थी। क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए, खुला है लीजिए, मकई वाले भैया 10 रुपये देना था आपको। अरे हाँ भैया वो बोले थे कब, याद है ना, मकई याद है, याद है ना, नहीं बोलो शायद भूल गए होंगे तो। अरे नहीं, एक छुकी नहीं देते हैं, 10 रुपये देते हैं, इसके पहले कहाँ लगाते थे, मैं फुल्की बेच रहा था पहले, हैं फुल्की, आप भी फुल्की बेच रहे थे यार, फुल्की जाट यहाँ नहीं लगाता था, शाबाश, मैं ध्यान से लगाता था, माफ़ी आई, नहीं अभी कहा है ना, अभी टेंट लगा है ना तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो टैक्सी वाले लोग ना गाड़ी खड़ा करते हैं यहाँ पे। मेरा लड़का अभी ठीक है, अभी मेरा लड़का, हाँ मुकेश जानते हो, न्यायालय के कोर्ट के बगल, चेहरा से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ, चेहरा से जानूंगा, चेहरा से जानूंगा, कोई भी रहने, जैसे मैं कस्टमर भी आते हैं ना दोस्तों, तो चेहरे से मैं सभी को जानता हूँ। 10 रुपये चलिए कि 20 का। तो दोस्तों सर्फ सामान तो खत्म हो गया, मतलब थोड़ी सी पानी पूरी बच गई क्योंकि ना मसाला ही खत्म हो गया मेरे पास, और 6:30 बज गया भाई आज, कैसे आए योगेश, आइए सर, पता नहीं बिजी है भाई योगेश और गुरु जी, योगेश और गुरु जी रक्षाबंधन में यहीं पर राखी बेचेंगे दोनों मिल के, बात कर लिया है ना,
राखी बेचने के लिए हैं? बात कर लिए हैं। कब? 6-7 दिन हो गया है। कितने पैसे में? अच्छा 5,000 रुपये। तो यहाँ पे जो दुकान लगाएंगे ना इन दोनों, तो यहाँ पे 5,000 रुपये लग रहा है भाई दुकान लगाने का, चार दिन का। चलो भाई समझता हूँ। गर्मी बहुत तेज़ है भाई, गर्मी तो इतनी लग रही है कि मतलब गर्मी फील है, ये उमस वाली गर्मी है। थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, मान लो कभी कभार रात को गिर जाता है, पता नहीं चलता होगा। अभी तो भाई भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा गर्मी है, भगवान की कृपा है, क्या करोगे। दोस्तों वहाँ पे मैं बैठा हुआ था अभी, और अचानक चने वाले चाचा आ गए यार। तो भाई झाड़ू लगा के निकलता हूँ, पहले मैं उसे लगा लूँ, लेकिन फिर मैं छत पर से बैठ लेता हूँ भाई। योगेश है, बात कर रहे थे वहीं पर बैठ के। ये हैं योगेश कुमार, बिहारी चाचा के लड़के, पानी भर के ला दिए हैं एक डब्बा। अभी जाएंगे हमारे साथ थे थाना, ले जाओ थाना, हैं पुलिस स्टेशन जाना है, एक तो केस था मेरा कम से कम 20 दिन पुराना। मैं भी चलूँ ना, पक्का सामने पुलिस स्टेशन। तो क्या हुआ था ना दोस्तों, एक टेबल था मेरा जो स्टूल रखा रहता हूँ ना मैं ठेले में, यहीं पे छोड़ के गया था। तो बिहारी जितना उसको थाना में दे दिए, तो यहीं पे मैं सोचता रखा होगा तो ले आता हूँ, लेकिन वहाँ से है ही नहीं, 15-20 दिन पहले की बात है। योगेश बोलता है दान कर दिए थाना वाले, अब बैठेंगे। तो दोस्तों मैं घर आ गया था और डुगडुग को घुमा रहा हूँ भाई, बहुत तेज़ गर्मी है, उधर घर में भी गर्मी लगती है। अभी देखो ना मेरे कान खा दिए यार, लला ये लला। सीधे बैठो पापा, तो ठीक है पापा, ठीक है सीधे बैठो बस पापा, हाँ यार ठीक है सीधे बैठ। चलो आ पापा, अब दोस्तों अभी डुडू को लेके घर आ गया हूँ, और अभी डुडू को भी खिला रहा हूँ और इसको भी खिला रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, देखो कपड़ा दो बाबू, अभी ये मारेगी ना इसको। डुडू नहीं, कौन है कौन है, कैसे लल्लू?